अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक अचानक से दोबारा सडन प्लान बन गया हमारा लाहौर का। एक्चुअली मैंने आज एक वीडियो देखी थी लाहौर की, मुझे इतना याद है लाहौर के, मैंने दोस्त को कहा कि चले माद भाई ने कहा चलो, तो अभी हम वो लेंगे, यहाँ से टिकट्स लेंगे, उसके बाद लाहौर छिक जाएंगे। तो गाइस टिकट हमने ले लिए और अभी अंदर हम बैठे हैं। यार इनका सेटिंग एरिया बड़ा ज़बरदस्त है, जा कर उस साइड आपको नहीं दिखाते, उस साइड अफ्रीकन बैठे हैं, फैमिलीज बैठी हैं। कौन? फैमिलीज और अफ्रीकन, अफ्रीकन बैठे हैं, ब्लैक पीपल्स, ब्लैक पीपल, हमाद लव ब्लैक पीपल बिकॉज़ ही इज वाइट, कर्ली हेयर्स। एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे, वो नहीं उस साइड भी बहुत ज़्यादा, इस साइड भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे कोई गालियाँ ना दे पकड़ी। यार ये इतना आराम से बंदा है, कहते हैं इसके बाल ऐसे जैसे झाड़ू नहीं होता, और घंटों की बातें घंटों की बातें करने के बाद मुझे कहता है ओ यार ये एक लड़की है एक लड़का है, मैं समझा दोनों लड़के थे। ऐसा नल्ला नहीं आ रही है ये बिजनेस की, ये शशियां चेक कर। चार घंटे का सफर तो ये करते हुए गुजर जाएगा। आपको इधर सफर के आगाज में बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे, सफर की दुआ और दुआएं देंगे आपको। हमारा ये सफर इंशाल्लाह, मुझे इनकी आवाज बिल्कुल नहीं पसंद आई गाइस, तो मैं नहीं सुन रहा, आप भी ना सुन रहे हैं। अच्छा मतलब लड़की की प्यारी है टर्की एक कहते नजर रखते हुए सीट पर। गाइस गाड़ी में हमें उन्होंने एक छोटा सा वो केक दिया था, तो एक वो बंद सा था जिसके अंदर ना चिकन स्प्रेड लगा हुआ था, उसके बाद उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो वो जो हमने थोड़ा सा खाया था वो भी हज़म हो गया। अभी हमाद भी को तो भूख नहीं लगी हुई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ खा लूँ कि ना खाऊँ, मुझे पता नहीं यार यहाँ पे रास्ता कितना रहता है, तो मे भी हम मैकडोनल्ड जाएँ या हार्डीज जाएँ। गाइस हमें हमारी बस छोड़ के निकल चुकी है, हम सानिया वाली गाड़ी पे आए थे और ये फैसल मूवर है और वो अब चली गई है, और अभी हमारा सामान भी इसके साथ चला गया, अभी ये वाले भाई जो हैं ये हमें एडजस्ट करेंगे, कहते हैं 15 मिनट का टाइम था भैंस की, तो हम 15 मिनट में क्या खाएं, हम 15 मिनट में तो ऑर्डर नहीं आता। गाइस फाइनली हमें बस मिली है बड़ी मुश्किल से, भैंस की तो इसमें एडजस्ट करेंगे हम। गाइस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने बचा लिया, हमारी गाड़ी का बहुत बुरा कोई एक्सीडेंट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हालत देखते हैं आपको,
टांग टूट गई और किसी का सर फटा है, किसी को क्या हुआ है, मुझे आपको शायद नज़र आ रहा हो यहाँ पे हल्का सा निशान पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचा लिया, लेकिन वो बंदा एक अभी भी नहीं निकला। ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है और वो बंदा अभी भी उसमें स्टक है और उसको स्ट्रेचर भी डाल के निकाल रहे हैं, लेकिन यार पता नहीं किसकी नहीं काम आई है। बस जब भी आप सफ़र पर निकला करें दुआ लाजमी किया करें और अल्लाह का शुक्र है कि सब सलामत है, कोई डेथ नहीं हुई। बहुत सारी इंक्वायरी के बाद हम लाहौर पहुँच गए, अभी हमने खाया है कुछ यहाँ से, अभी हम अपने फ्लैट की तरफ चलेंगे, अभी हम बैरिया में हैं और सोएंगे, यार बहुत ज़्यादा थक गए, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।